दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नीता सलीमकर और अंजलि अरोरा की। अंजलि और नीता मॉडल और इंस्टाग्राम स्टार हैं और आज के टाइम में इनके इंस्टाग्राम पर करोड़ों में फॉलोअर्स हैं। नीता और अंजलि दोनों ही टिकटॉक से फेमस हुई थीं, सो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे नीता सलीमकर और अंजलि अरोरा को और जानेंगे इन दोनों में से कौन ज़्यादा कमाता है, इनमें से सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा किसके फॉलोअर्स हैं और 2022 में इनमें से कौन है नंबर वन पर। साथ ही हम जानेंगे नीता और अंजलि के बारे में शॉर्ट बायोग्राफी भी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले जानते हैं इन दोनों के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। दोस्तों, 5 अप्रैल 2000 को मुंबई की एक रिच फैमिली में नीता सलीमकर का जन्म हुआ और अभी के टाइम में इनकी उम्र 22 साल की है। नीता की फैमिली में इनके मम्मी पापा हैं और नीता की एक बड़ी बहन रूपाली सलीमकर हैं जिनकी शादी हो चुकी है। नीता ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से ही कंप्लीट की थी और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है। पढ़ाई के साथ साथ नीता को बचपन से ही डांस और एक्टिंग करना काफ़ी पसंद था और नीता सोशल मीडिया पर भी अपना ज़्यादातर समय बिताती थी। तभी इन्होंने साल 2018 में टिकटॉक ज्वाइन कर लिया और रेगुलर वीडियोस बनाए, जिनमें से इनके कुछ वीडियोस तो बहुत ज़्यादा वायरल रहे और बाद में इन्होंने रोहित जिंजोर के साथ में भी वीडियोस बनाए जो खूब वायरल हुए और रोहित और नीता टिकटॉक पर काफ़ी फेमस हो गए। जो लोग आपके हैं वो हर हाल में आपके ही रहेंगे, जिन्हें जाना होता है वो बेवजह भी चले जाते हैं और जिन्हें निभाना होता है वो बेवजह भी निभा जाते हैं। वहीं बात करें अंजलि अरोरा की, तो अंजलि का जन्म 3 नवंबर 1999 को पंजाब की एक रिच फैमिली में हुआ था। अभी के टाइम में अंजलि की उम्र 23 साल की है और अंजलि ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब के ही एक स्कूल से पूरी की थी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इनकी ग्रेजुएट। अंजलि अरोरा की फैमिली में इनके अलावा इनके मम्मी पापा ही हैं और अंजलि के पिता का काफ़ी बड़ा बिजनेस है, तो अंजलि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पापा का काम में हाथ बटाने लगीं और जब इनको टिकटॉक के बारे में पता चला तो इन्होंने भी टिकटॉक ज्वाइन कर लिया और रेगुलर वीडियोस बनाने लगीं। स्टार्टिंग में तो इनकी वीडियोस वायरल नहीं हुई, उन पर कुछ ही व्यूज़ आए, लेकिन कुछ दिनों बाद अंजलि का टिकटॉक पर एक डांस वीडियो खूब वायरल हुआ और उसके बाद भी टिकटॉक पर अंजलि के बहुत सारे वीडियोज़ अचानक से वायरल हो गए और देखते देखते इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए और ये टिकटॉक पर काफ़ी फेमस हो गईं। अगर बात करें इन दोनों के सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स के बारे में, तो अभी के समय में नीता के इंस्टाग्राम पर 11 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं और नीता का यूट्यूब पर एक ब्लॉग चैनल भी है जिस पर नीता डेली ब्लॉग्स अपलोड करती हैं और इस चैनल पर इनके अभी के टाइम में 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं अंजलि अरोरा का भी यूट्यूब पर एक चैनल है जिस पर इनके 3 लाख सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट होने वाले हैं और इंस्टाग्राम पर अंजलि के भी 11 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वहीं ध्यान दें इनकी मंथली इनकम की तरफ, तो नीता ब्रांड प्रमोशन और अपने यूट्यूब चैनल की मदद से 6 से 8 लाख रुपये बहुत आराम से कमा लेती हैं। वहीं अंजलि अरोरा ब्रांड प्रमोशन, यूट्यूब और सोच की हेल्प से 5 से 6 लाख रुपए बहुत आराम से हर महीने कमा लेती हैं। इन दोनों के सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स लगभग सेम ही हैं, तो इनकी अर्निंग भी लगभग सेम ही होती है। अगर बात करें इनके कार कलेक्शन की, तो नीता सलीमकर के पास अभी के टाइम में 2 कार मौजूद हैं, जिनमें इनकी फर्स्ट कार किया सेल्टोस है जिसको इन्होंने जनवरी 2021 में परचेज किया था और इनकी सेकंड कार मर्सिडीज बेंज है जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए से ज़्यादा है। वहीं अंजलि अरोरा के कार कलेक्शन में इनके पास अभी एक ही कार मौजूद है जो किया सोनेट है और इस कार की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। गलती कर दी आपने, कभी हाथ नहीं छोड़ते हाथ थामने वाले का। अजी गलती कर दी आपने, कभी हाथ नहीं छोड़ते हाथ थामने वाले का। और दिल तो गिरे हुए लोग तोड़ते हैं, हम तो गुरूर तोड़ते हैं सामने वाले का। तो दोस्तों, ये थी नीता सलीमकर और अंजलि अरोरा की कंपैरिजन वीडियो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपको नीता सलीमकर और अंजलि अरोरा में से कौन पसंद है।